सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं वापस आ चुका हूँ पोकेमॉन यूनाइट का और एक अमेजिंग सा गेम प्ले लेके। मेरे ऑलराउंडर चैलेंज वाले वीडियो पे तुम सभी का इतना अच्छा रिस्पांस देखने के बाद ना मैंने सोचा क्यों ना एक ओनली सपोर्टर चैलेंज भी कर लिया जाए। पर मैं सीरियसली बता रहा हूं, अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैलेंजेस किए ना सबसे ज्यादा मजा शायद इसी मैच में आया होगा, क्योंकि भाई कोई भी फ्रंट लाइन नहीं है एंड कोई मेजर डैमेज डीलर भी नहीं है, तो फाइट बहुत लंबे टाइम तक चल रहा था। और इसलिए ये वाला वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए, तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो कि मैच के स्टार्टिंग में मैं और क्लेफेबल आ गए थे बॉटम लेन में, एंड हम लोग अर्ली गेम से ना इतना ज्यादा एग्रेस कर रहे थे ना, हम लोग मर भी नहीं रहे थे पता नहीं क्यों। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है ना उनको पता होगा कि मेरे पास एक भी सपोर्टर्स नहीं है, तो विगलेट ऑफ के साथ प्रैक्टिकली ये मेरा पहला मैच था एंड मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आया थप्पड़ मार मार के। अब इस मैच में ना विगलेट ऑफ के डबल स्लैप के साथ मैं मूव सेट में से रोल आउट लेता हूं, क्योंकि उसका भी एक रीजन है। मैं ना लॉबी से प्लान करके आया था कि विगलेट ऑफ का रोल आउट ले लूंगा और इधर उधर बाउंस करते करते बंदों को बहुत ज्यादा परेशान करूंगा, लेकिन तुमको पता ही है जब मैच के अंदर जाते हो एंड प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है तब वैसा कुछ नहीं होता। मैं हार्डली एक दो बार ही बाउंस कर पाया होगा, लेकिन ज्यादातर टाइम मैं रोल आउट से भाग ही रहा था बस। बट ठीक है, फिर भी फर्स्ट मैच के हिसाब से बहुत ज्यादा सही था। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो बॉटम लेन में थोड़ा बहुत लेवल करने के बाद हम लोग इनको बस मार रहे थे और इन्हीं का स्कोर इन्हीं के बेस में कर रहे थे। मैं क्लेफेबल को अपने साथ इसलिए लेकर आया था ना क्योंकि क्लेफेबल के पास हील है और मेरे पास थोड़ा बहुत डैमेज है, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं है एंड अर्ली गेम एग्रेस कर सकते थे। एंड हमारे अगेंस्ट में सामने था सेवेलाई, तो वो बहुत ज्यादा स्नीकी है, तो उसके अगेंस्ट तो हमको उतना ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं और इसीलिए शायद हम लोग अर्ली गेम में एग्रेस कर पा रहे थे। हम थोड़ा बहुत लेवल लेने के लिए पीछे चले जाते हैं लेकिन ये लोग भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, तो हमने बोला चलो चेस करो हमें क्या है, हम लोग मारेंगे तुमको थप्पड़। यहाँ पे सेवेलाई को मारने के बाद क्लेफेबल भी बहुत ज्यादा लो थी, तो हम लोग उनको चेस करके मार लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत स्कोर कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत स्कोर करने के बाद यहाँ पे बेरीज वेरीज खा के लेवल अप कर ही रहे थे कि ये लोग फिर से वापस आ गए यहाँ पे फाइट लेने के लिए। अभी फाइट तो हम लोगों ने यहाँ पे चालू किया लेकिन फाइट कहीं और पे जाकर रुकता है, डायरेक्ट 20 पे चला जाता है फाइट करते करते हम लोग सभी। अभी हमारे ओपोनेंट्स ने नोटिस किया कि हमारा क्लेफेबल बहुत ही ज्यादा लो है, तो इन दोनों ने मिलकर इनको टारगेट किया और मैं इन दोनों को टारगेट कर रहा था और इनको टारगेट करते करते हम लोग पहुंच गए 20 के पास एंड एट द एंड फाइनली हम इनको मार लेते हैं। अभी बॉटम लेन तो हमारा सही चल ही रहा था, टॉप लेन हमारा इससे भी ज्यादा सही चल रहा था। मैंने उनको बोला कि उनका बेस खाली मत करो, वहाँ पे लेवल लेते रहो तुम लोग। अभी यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा एक एपिक सीन हो जाता है, रेजिली की स्पॉन होते ही हम लोगों को कॉल आता है कि तुम लोग टॉप लेन में आ जाओ, सब मिलकर रेजिली की लेके फिर पुश करेंगे। बट हुपा ने जब पोर्टल खोला मैं हर बार उसका पोर्टल मिस कर दिया। इसको मारने के बाद हम लोग थोड़ा स्कोर करते हैं एंड डिसाइड करते हैं टॉप लेन में चले जाएंगे। क्लेफेबल चली जाती है, मैं यहाँ पे एक दो 20 को मारने के चक्कर में फंस जाता हूँ, बट एट द एंड फोर्थ अटेम्प्ट में मैं टॉप लेन पहुंच ही जाता हूँ टीम को सपोर्ट करने के लिए। मैं टॉप लेन में आती रोल आउट करके सेंटर में घुस गया था बसर के अंदर, क्योंकि मेरी टीम ऑलरेडी वहाँ पे फंसी हुई थी, तो मैं घुस गया यहाँ पे फाइट करने के लिए। एंड यहाँ पे भाई हम लोग जो फाइट करते हैं ना तुम खुद ही देख लो, मेरे को तो लिटरली इस भीड़ में ना पता भी नहीं लग रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मेरे को सामने जो भी देख रहा था मैं सबको थप्पड़ बजाया जा रहा था। एक बात तो है, यहाँ पे एक अटैक लग के मैंने सही तो किया, बहुत ज्यादा काम तो आ रहा था यहाँ पे। हम लोगों ने इनको मारने के बाद इनका टॉप बेस खाली कर दिया एंड उसके बाद चले गए रेजिली की मेल्ट करने के लिए। मेल्टिंग चालू होते हम पांचों बंदे एक साथ रेजिली को मारने लग जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस बात है कि हम लोग इसको जल्दी सिक्योर कर लेंगे, लेकिन लास्ट स्टेट के थोड़ी देर पहले ओपोनेंट धीरे धीरे करके यहाँ पे आने लग जाते हैं। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे लास्ट स्टेट ओपोनेंट्स ना देते, लेकिन तभी भाई हमारा हुपा खेल गया, उसने लास्ट स्टेट देख रेजिली के सिक्योर कर लिया हमारे साइड से। मैंने तो सोचा था रेजिली के लेने के बाद यहाँ पे जो भसर होगा उसमें अपन पिट जाएंगे, लेकिन भाई इस बार तो उल्टा हो गया, हम लोग इनको मार देते एंड रेजिली के लेके हम लोग फिर से पुश करना चालू करते थे एनिमी बेस की तरफ। रेजिली के अपोजिंग बेस के क्लोज जाते जो फाइट होता है ना यहाँ पे जस्ट यू वॉच। मैं सबसे पहले रोल आउट यूज करके ओपोनेंट्स के भीड़ के बीच में घुस जाता फाइट को एंगेज करने के लिए, उसके बाद क्लेफेबल एंड मिस्टर माइम भी धीरे धीरे फाइट में एंटर करते हैं। उसके बाद हुपा हमारा अल्ट चला देता है, मैं थोड़ी देर पीछे जाता हूँ फाइट को अवॉइड करने के लिए क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लो हो चुका था। रेजिली के एंटर करता है, हम स्कोर करते हैं एंड धीरे धीरे ये बेस खाली हो जाता है। एक तो हुपर क्लेफेबल ने मेरे अच्छे खासे किल टापे हैं यहाँ पे। बाय द वे इस भीड़ में किसी ने दोनों टीम के सेवेलाइज को नोटिस किया, भाई वो दोनों कितने छोटे लगते एकदम पिद्दू सा। एनीवेज इसके बाद भी यहाँ पे फाइट कंटिन्यू होता गया, हम लोग इनको मार मार के जो स्कोर मिल रहा था उसी से इनका बेस खाली कर रहे थे। हम एक दो बार अपने बेस भी गए थे हील करने के लिए, बट उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे वापस आ जाते फाइट को कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि मजा आ रहा था। तो हाँ, बेसिकली यहाँ पे एक ही साइकिल कंटिन्यू हो रहा था, बेस जाओ वापस आओ चाटे मारो। और यहाँ पे ना सही बताओ फाइट करने में मजा भी आ रहा था, क्लेफेबल हील दे रही थी, मिस्टर माइम सबको ब्लॉक कर रहा था, मैं चाटे बजाए जा रहा था एंड हमारा सेवेलाइज जले पे नमक छिड़क रहा था। अभी यहाँ पे ना फाइट करने में इतना ज्यादा मजा आ रहा था, बंदे बोल रहे ऑब्जेक्टिव्स गया तेल लेने चलो फाइट कंटिन्यू करते हैं। अभी हम ना उन बंदों में से नहीं है जो डोमिनेट करके आराम से इज्जत से बेस चले जाते हैं, हम उन बंदों में से जो मार खा के उसके बाद बेइज्जती करवाने के बाद ही बेस जाते हैं। अभी इतनी देर तो हम लोग आराम से मार ले रहे थे लेकिन धीरे धीरे करके अभी हमारा भी नंबर आने लगा, हुपा हमारा सबसे पहले कट लिया, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे सारे बंदे पिटने लगे, इवेंचुअली मैं भी पिटा। इसके बाद रिस्पॉन होकर हम पांचों का पांचों बंदे आ जाते हैं रेजिलिकी को मेल्ट करने के लिए, लेकिन इस बार ओपोनेंट्स भी धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि उनको पता था कि इस बार रेजिलिकी हमने ले लिया तो उनके कोर बेस में ही जाएगा ये। अब यहाँ पे ना हम सभी अपना यूनाइट मूव सेव कर रहे थे लास्ट फाइट के लिए, लेकिन हमारे हुपा ने गलती से यूनाइट यूज कर लिया, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं, एक बंदा है उसका तो फार्म करवा ही देंगे। व्हाट रियली मैटर्स इज हमारे माइम ने एट द एंड आके रेजिलिकी सिक्योर कर लिया, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सही था। अभी तुम लोग ना मेरे स्क्रीन के ऊपर टाइमर को अच्छे से देखो, 2:40 का राउंड बाकी है, रिक्वाजा आने वाला है। कोई भी अच्छी टीम रेजिलिकी सिक्योर करने के बाद इस टाइम पे बेस कर लेती है, लेकिन नहीं, हमको ये
वाला रेजी लेके भी पुश कराना था, क्योंकि हम कोई आम बंदे थोड़ी ना, हम सबके सब खतरों के खिलाड़ी, तो हमको तो यहाँ पे पुश करना था। वैसे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन अगर रोहित शेट्टी स्पॉन्सर कर देगा तो मेरे को खराब ही नहीं लगेगा। जस्ट किडिंग, लेकिन बेस से हील करके आने के बाद हम लोग यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग करके पुश करते हैं। प्लान बहुत सिंपल था, हम लोग यहाँ पे फाइट करते करते आगे चलते जाएंगे, अगर कुछ गलत सीन हो जाता है तो हुपा के पोर्टल से हम लोग बेस कर लेंगे। अभी हम लोग एनिमी बेस के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे, लेकिन तभी रिक्वा से स्पॉन हो गया, तो हम लोग को लगता है कि अभी बेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी अगर मर गए तो बहुत लंबा कूल डाउन लगेगा। लेकिन प्लान के एंड में आके हमारा तो प्लान ही चेंज हो जाता है। मिस्टर माइमैन सेवल आई वहाँ पे पिट गए, मैं क्लेफोबल बेस में आ गए, एंड हमारा हुपा भाई जहाँ से आया था वही चला गया गलती से। हम रिक्वासा के पास आते आते हमारे ओपोनेंट्स ने ऑलमोस्ट रिक्वासा को मेल्ट करना चालू भी कर दिया था, तो हम लोग चले गए इनको मारने के लिए। लेकिन एंड में आके ना हमारे साथ थोड़ा गलत सीन हो जाता है। हम लोग जिस जगह पे एग्जैक्ट खड़े रहकर फाइट ले रहे थे, हुपा ने हमारा उसी जगह पे पोर्टल खोल दिया एंड हम लोग बेस पहुंच गए, एंड मैटर ऑफ फैक्ट हमारे हाथ से रिक्वाजा चला गया। पहले कुछ सेकंड तो हमें यही नहीं समझ आया कि हमारे साथ यहाँ पे हुआ क्या, और उसके और कुछ देर बाद यहाँ पे पूरा सन्नाटे का माहौल छा जाता है। हम लोगों ने पूरा ट्राई हार्ड किया था इनका शील तोड़ने का, दो बंदों का तो हम शील तोड़ भी देते, लेकिन यार सेवेलाई का क्या करे यार, वो तो दिखता भी नहीं है। सो एज यू कैन सी पूरा मैच ब्रूटली डोमिनेट करने के बाद एट दी एंड हम लोग 200 स्कोर से हार जाते हैं। सच बोलो तो इस मैच के बाद मैंने सोचा था और एक अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, लेकिन ना, हार जीत यही तो मजा है खेलने का। वैसे गाइस तुम लोग ने एक बार रिजल्ट्स में हमारे किल असिस्ट और डैमेज पे ध्यान दो, हम लोग खेल क्या रहते सपोर्टर या ऑलराउंडर्स। सो एट दी एंड रियली होप तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर तुम लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो डेली ऐसे वीडियोस और देखते रहने के लिए, क्योंकि मैं पोकेमॉन यूनाइट के वीडियोस डेली पोस्ट करता रहता हूं, तो तुम लोग को भी कुछ ना कुछ नया देखने को हर रोज मिलने वाला है। वेल देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं तुम लोग को और एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट एंड टेक केयर।